किसान भाई, आज हम आपको एक ऐसी हैचरी पर लेकर आए हैं, या तो आपको ये देखने को बांग्लादेश में मिलेगी या कलकत्ता में मिलेगी। और यहाँ पर जो है इसमें होता है हाई वैल्यू फिश का, जो एक मछली पालन यहाँ पे जो बच्चा है सीड है वो तैयार होता है। सर थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये आप जैसे देख सकते हैं हमारा पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है और ये नेक्स्ट 15 दिनों में यहाँ से हमारा पूरा सप्लाई जो है वो चालू हो जाएगा। यहाँ से फिर हम आपको बासा फिश, सिंगी और पापदा, ये बासा मीन्स पंकेशियस भी कहा जाता है, बासा भी कहा जाता है, इन तीनों ब्रीड्स का हम यहाँ से आपको सप्लाई दे पाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है ये जनरली आपके कैलकाटा एंड बांग्लादेश में यूज़ होती है, उसी टेक्नोलॉजी को हम हमारे इंडिया में लेके आए हैं और इसी से हम ये कोशिश करेंगे कि हम हमारे किसान ब्रदर्स जो हैं जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं और जो करने में इंटरेस्टेड हैं उनको अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी का सीड दे सकें ताकि वो हाई प्रॉफिट्स कमा सकें। सर जैसे लोग किसान हमारे बंगाल, कलकत्ता या बांग्लादेश से मंगाते थे सीड, जी जब आप हैचरी एक भारत के बीच में खोल ली, एक तरह से आपने भारत के सेंटर में आपने खोल ली है, हाँ जी, तो उसका क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है किसानों को? उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सीड कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है। जनरली क्या होता है जो हमारे सेंट्रल इंडिया में हमारे जो भाई बैठे हुए हैं जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं पुराने उनको तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन जो नए एंटरप्रेनर्स हैं जो इस फिश फार्मिंग, फिश इंडस्ट्री में, बेसिकली फार्मिंग तो इसको कहा जाता है, बेसिकली इट इज़ ए फिश इंडस्ट्री, तो जो फिश इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते हैं उनको पता नहीं होता है कि कहाँ से, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सीड होता है वही मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी ने आपको पैसे कमा के देने, तो कहाँ से लिया जाए, किस टाइप का लिया जाए, किस साइज़ का लिया जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। और फिर वो कई लोग गलत लोगों के झांसे में आके गलत चीज़ परचेस कर लेते हैं और अल्टीमेटली लॉस उठा बैठते हैं और फिर उन्हें लगता है कि पूरी फिश इंडस्ट्री ही काम ही ख़राब है। तो हमारा ये खोलने से लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उनको उनके घर के पास में यहाँ से सीड अवेलेबल रहेगा, बेस्ट क्वालिटी का सीड मिलेगा, पूरी कंसल्टेंसी मिलेगी और बेसिकली जो कॉस्ट, क्योंकि देखिए हर पूरा जो खेल है वो प्रॉफिट का कॉस्ट के ऊपर निर्भर करता है, अगर आप जितने का सीड है उतनी ही आपकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की भी लग जाती है, तो उसके अंदर अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके जो वाइबिलिटी, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तरीके से हैम्पर होकर कम हो जाती है। लेकिन जब आपको बहुत नज़दीक से वो चीज़ आपको अवेलेबल होगी तो बहुत ड्रेस्टिक वे के अंदर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कम होने के साथ साथ जो जैसी जब नया हम स्टॉकिंग करते हैं तालाब के अंदर, तो जो पहले के कुछ दिन जो होते हैं जब बच्चा जो रहता है थोड़ा कमज़ोर होता है तो वो दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, तो उस वक्त फार्मर को सही कंसल्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ अगर ज़रा सी भी उसमें हमने कोताही बरतेंगे और ज़रा सी भी लापरवाही अगर होगी तो लाखों रुपये का जो बच्चा है वो पूरा मॉर्टलिटी हो जाता है, वो पूरा मर जाता है। तो इसलिए अगर हम पास में रहेंगे तो हम ईज़िली हमारे जो फ़िश फार्मर्स हैं, हमारे एंटरप्रेनर्स हैं, फ़िश एंटरप्रेनर्स हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से जो इनिशियल डेज़ में जो भी प्रिकॉशंस लेने, जो भी चीज़ों पे ध्यान रखना है उसको प्रॉपरली ध्यान रख के, और हम उनको सही तरीके से गाइड करेंगे ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकें।